ज्यादा सावधान। कहानी है कार्तिक और अमन की। कार्तिक यानी आयुष्मान खुराना, अमन जो कि यूट्यूब स्टार जितेंद्र कुमार ने ये किरदार निभाया है। तो कार्तिक और अमन के बीच प्यार की कहानी है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। दोनों प्यार में हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक शादी पर जब दोनों इलाहाबाद पहुंचते हैं और अमन के पूरे परिवार के सामने जब ये रिश्ता जो है वो सामने आता है, ख़ास तौर पर अमन के पिताजी जो हैं त्रिपाठी जी, गजराज राव की बात कर रही हूँ, तो उन्हें जब ये रिश्ते की बात सबसे पहले पता चलती है, क्या होता है उनका रिएक्शन, किस तरीके से पूरे परिवार के सामने इस प्यार को लेकर ये जोड़ी जो है अमन और कार्तिक की, वो उनका जद्दोजहद एक्सेप्ट किस तरीके से करवा पाते हैं, परिवार को करवा पाते भी हैं या नहीं, और क्या कुछ सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ता है, ये कहानी है इस फिल्म की। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान की खास बात यह है कि फिल्म पहली फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक एक परिवार की कहानी है। पूरी टीम जो है वो कहते हैं ना कि टुगेदर वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो ये फिल्म वो साबित करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हीरो और एक हीरोइन नहीं है, इसमें पूरा परिवार जो है, उनकी जद्दोजहद, उनकी सोच, उनकी मनस्थिति, वो किस तरीके से चीज़ों को सुनते हैं, किस तरह से निपटते हैं, किस तरह से वो समझते हैं, समझाते हैं, तो पूरा परिवार एक साथ चलता है। इसीलिए स्टार कास्ट का मेंशन बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है आयुष्मान खुराना इस फिल्म के मुख्य किरदार में है। आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार जो बहुत बड़े यूट्यूब स्टार हैं, उनकी पहली फिल्म है ये, नीना गुप्ता और ख़ास तौर पर गजराज राव। इस फिल्म के साथ एक बात कहना चाहूँगी कि एक नई जोड़ी जो है वो बधाई हो से लेकर इस फिल्म तक का सफ़र जो उन्होंने तय किया है, और वो नई जोड़ी के तौर पर इवॉल्व हुए हैं और लोगों के दिलों में बस चुके हैं, वो है गजराज राव और नीना गुप्ता। कमाल के सीन्स हैं, कमाल के डायलॉग्स हैं, और वो उन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो आपको हंसते हंसते, मतलब आप बहुत हंसेंगे उनके डायलॉग्स पर, उनकी ऐसे लगता है जैसे वो दोनों मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। शायद यही अच्छे एक्टर्स की निशानी होती है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो कमाल का देखने को मिला है इस फिल्म में। वो कहते हैं ना कि फिल्म देखते देखते कब इंटरवल आ गया अगर आपको पता नहीं चला, इसका मतलब ये होता है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले, फिल्म की राइटिंग और डायलॉग्स ज़बरदस्त हैं, जो कि आपको मौका नहीं देता, ज़रा भी एक भी डल मोमेंट मुझे नज़र नहीं आया इस फिल्म में, क्योंकि जिस तरीके से इसे लिखा गया है, स्क्रीन प्ले जिस तरह से बुनी गई है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन उसे आप किस तरीके से एक हल्के अंदाज में पेश कर सकते हैं, ये निर्देशक जो हैं हितेश केवालिया जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा भी है फिल्म को, और डायलॉग्स भी उनके, मैंने फिल्म के अंत में उनसे बात भी की, उन्होंने बोला डायलॉग्स भी उनके ही हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले को लिखा है। तो डायरेक्शन बहुत ही कमाल का है, म्यूज़िक तनिष्क बागची और करण कुलकर्णी का है, जो अच्छा है वो चल रहा है, फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है इसके अंदर, तो ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी, मतलब एक हल्की फुल्की फिल्म है, और इशू भी आप बता रहे हैं, और जिस तरीके से आप इसे देख करके सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं।